तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने परिवार के साथ सुरक्षित होंगे। तो दोस्तों, आज का जो ब्लॉग है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, काफ़ी अच्छा होने वाला है। हम लोग लेके आए हैं आपके लिए एक 2 BHK फ्लैट्स नयागांव ईस्ट में। जी हाँ दोस्तों, नयागांव ईस्ट में। तो दोस्तों बने रहिए हमारे चैनल पे, और अगर आप लोग अभी हमारे चैनल पे नए हैं तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए। और दोस्तों आज का जो ब्लॉग है, देखिए हम लोग शूट कर रहे हैं काफ़ी कुछ अलग टेक्निक से। रश्मि जी देखिए गाड़ी ड्राइव कर रही है और मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। दोस्तों ये जो फ्लैट्स रहेंगे ये नयागांव स्टेशन से जो है मात्र 2 से 2.5 किलोमीटर की दूरी पे ही रहेंगे और काफ़ी अच्छे फ्लैट्स दोस्तों। ये 7th फ्लोर का बिल्डिंग है। आप लोगों को मैं डिस्क्रिप्शन में सारी जानकारी दे दूंगा। इसमें मात्र एक ही यूनिट बची हुई है। सारे फ्लैट जो 2 BHK 3 BHK थे वो सोल्ड आउट हो चुके हैं। मात्र एक यूनिट ही बची है 2 BHK की। और दोस्तों फ्लैट जो है बहुत ही खूबसूरत है, बहुत बड़ा फ्लैट बनाया है। इसके अंदर एक ख़ास बात यह है कि इसमें जो बेडरूम से भी आपको दरवाज़ा मिल जाता है बाहर का जो रास्ता रहता है, और इसमें 2 गेट मिलते हैं, एक फ्रंट रहता है सामने से और एक जो है बेडरूम से मिल जाएगा। दोस्तों अगर आप लोगों को ये पसंद आता है तो आप लोग जो है फटाफट से जल्दी जल्दी मुझे कॉल कीजिए, मेरा नंबर स्क्रीन पे चल रहा होगा, और अपना घर बुक कीजिए। तो दोस्तों ऐसे ही ब्लॉग मैं आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ, तो आप लोग जो है हमारे चैनल पर ऐसे प्यार बनाए रखिए। और इस बिल्डिंग में आपको जो है 1 BHK 1 RK बहुत ही कम प्राइस में मिलेंगे। 1 BHK का जो प्राइस रहता है वो 20 लाख रुपये से स्टार्ट हो जाता है, ऑन इंक्लूड सारा चीज़ इंक्लूड रहता है उसके अंदर। और जो 1 RK रहता है वो 14,90,000 रुपये से 1 RK स्टार्ट हो जाता है। दोस्तों आपके लिए, जैसे मैं काफ़ी समय से बता रहा था कि मैं सबसे सस्ते फ्लैट्स लेके आने वाला हूँ, तो ये सबसे सस्ता प्रोजेक्ट रहेगा नयागांव का। तो आप लोग जो है जल्दी से आइए, और 3 दिन का हमारा जो है लॉन्च पार्टी चल रहा है अभी 29, 30, 31। तो अगर इन दिनों पर आप फ्लैट बुक करते हैं तो आपको भारी डिस्काउंट दिया जाएगा। दोस्तों चलिए पहले देख लेते हैं ये फ्लैट कैसा है, इसके बाद में हम और बातें करेंगे। और आज का ब्लॉग जो है हम लोग जो है चलती गाड़ी पे शूट कर रहे हैं। आप लोग को कैसा लग रहा है? रश्मि जी देखिए गाड़ी ड्राइव कर रही हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं हम लोग आ चुके हैं फ्लैट में, और ये रहा बालकनी, सॉरी पैसेज सामने का। गेट बहुत ही बड़ा है और गेट के बाहर का जगह आप लोगों ने देखा काफ़ी बड़ा जगह है। और दोस्तों ये 2 BHK फ्लैट है, बहुत ही बड़ा फ्लैट है, काफ़ी अच्छा लगा हम लोगों को ये देख करके। देख लीजिए अब भी आ गए हम हॉल में। हॉल इसका दोस्तों काफ़ी बड़ा है, ये जितने भी 1 BHK अब तक 2 BHK हम लोगों ने देखे हैं उनमें काफ़ी बड़ा 2 BHK स्पेस है इसमें। और बालकनी इसकी तो काफ़ी बड़ी है, इसमें आप देख सकते हैं इसमें 3-4 कुर्सियाँ आराम से डालकर आप लोग बैठ सकते हैं शाम के टाइम पर। और बाहर का व्यू देखिए कितना खूबसूरत। इसमें ये जाली वगैरह भी लगा रखी है, चूँकि ये टॉप फ्लोर का फ्लैट है तो कहीं कबूतर वबूतर आते रहते हैं ना, तो इसलिए जाली लगा रखी है, कहीं गंदा कर देते हैं तो इसलिए। और बाकी देख लीजिए आप लोग कितना बड़ा फ्लैट है ये। अभी इसका हम बाकी और भी चीज़ें दिखाएंगे, इसकी छत वगैरह देखिए फॉल्स रिंग की हुई है। दोस्तों जब भी आप लोगों को दिया जाएगा तो इसमें जो भी काम होगा वो करा के दिया जाएगा, चूँकि इसको पहले ऑफिस बनाया हुआ था इस बिल्डिंग का, और अभी ऑफिस जो है नीचे पहुंच चुका है और ये सोल्ड के लिए रखा किया गया है। इसमें दोस्तों एक ही फ्लैट ये बचा हुआ है 2 BHK का, जितने भी थे सारे के सारे सेल हो चुके हैं। और देख सकते हैं ये हमारा किचन था, किचन में भी ऑफिस की कुछ फाइलें आपको दिख रही होंगी यहाँ पे। तो जब भी आपको ये दिया जाएगा पूरा कलर वगैरह करके दिया जाएगा, सारी चीज़ें अच्छे से करके दी जाएंगी, बना के दी जाएंगी, और जो भी इसमें रिपेयरिंग काम होगा या जो कुछ भी इसमें रहेगा वो सब मेंटेन करने के बाद ही आप लोगों को दिया जाएगा। आप लोग देख सकते हैं ये, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि इसको ऑफिस बना रखा था बिल्डर्स ने, तो इसलिए थोड़ा सा ये आपको ऐसा दिख रहा होगा। और बाहर विंडो इसके देखिए दोस्तों काफ़ी बड़े बड़े विंडो हैं। ये हमारा रहा फर्स्ट बेडरूम जो अभी मैं दिखाया मैंने, और इसमें दरवाजे वगैरह भी देखिए काफ़ी अच्छे तरीके से, काफ़ी मजबूती से काम किया गया है, और विंडो तो काफ़ी बड़े हैं दोस्तों। जब भी आप यहाँ पे आएंगे देखने के लिए तो ये फ्लैट आपको निराश नहीं करेगा। बजट होम है, काफ़ी कम प्राइस में नयागांव में इससे सस्ते 1 BHK 2 BHK फ्लैट आपको नहीं मिलने वाला, ये मैं दावा करता हूँ, आप लोग देख सकते हैं। तो अभी हम चलेंगे इसका कॉमन टॉयलेट बाथरूम देखेंगे। ये दोस्तों आगे हम लोग कॉमन टॉयलेट बाथरूम में, ये इसका रहा कॉमन टॉयलेट बाथरूम। इसमें देख सकते हैं आप लोग, इसमें जो है नॉर्मल सीट लगी हुई है, ये देखिए फुल टाइल्स दिया गया है इसके अंदर, और बहुत ही बड़ा टॉयलेट बाथरूम है। यहाँ पे एक छोटा सा
वॉश बेसिन का जगह भी है थोड़ा सा, ये देखिए इसको सब मेंटेन किया जाएगा, अगर जो भी थोड़ा सा दिख रहा है टूटा फूटा आपको ये सब मेंटेन करके दिया जाएगा। अब हम आ चुके हैं अपने मास्टर बेडरूम में। जी हाँ दोस्तों, ये रहा मास्टर बेडरूम, और मास्टर बेडरूम बहुत बड़ा है ये देखिए। और इसकी एक ख़ास बात है दोस्तों, ये जो आपको गेट दिख रहा होगा ये है बाहर जाने का रास्ता। इस फ्लैट में दोस्तों दो रास्ते हैं बाहर जाने के, एक तो मेन गेट से अभी हम आए ही, और ये देखिए ये था हमारा बाहर जाने का रास्ता, और ये इसका टॉयलेट बाथरूम। इसमें दोस्तों फुल टाइल्स दी हुई है, और इसमें अभी कबोर्ड लगाया नहीं गया है, तो वो सब जो है लगा के दिया जाएगा। वेंटिलेशन के लिए बड़ी बड़ी जालियाँ दी गई हैं, खिड़कियाँ, और काफ़ी अच्छा घर है दोस्तों। अगर आप लोग इसको लेना चाहते हैं तो फटाफट मुझे कॉल कीजिए, चूँकि एक ही यूनिट है तो जल्दी से सोल्ड आउट हो जाएगा। और वैसे भी अभी दो तीन लोगों की बात चल रही है इसकी, जिसका भी पहले लग जाएगा उसको ये फ्लैट मिलेगा। ये देख लीजिए आप लोग। तो दोस्तों ऐसे ही अच्छे अच्छे ब्लॉग्स मैं बनाता रहता हूँ। आप लोग अगर चैनल पे हमारे नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, और अपने सपनों का घर बुक कीजिए। इसमें दोस्तों 1 BHK जो फ्लैट है सबसे सस्ता स्टार्ट हो रहा है 20 लाख रुपए से। जी हाँ दोस्तों अभी आपने देखा ये फ्लैट काफ़ी अच्छा फ्लैट था, हम लोग गए वहाँ पे देखने विजिट किया और ब्लॉग शूट किया, काफ़ी अच्छे तरीके से बनाया हुआ है, बहुत अच्छा काम किया गया इसके अंदर। और इसके अंदर जो इम्यूनिटीज रहेंगी काफ़ी बहुत सारी रहेंगी, आसपास स्कूल वगैरह सारा कुछ। मैं डिटेल्स जो है ना इतना बता नहीं सकता क्योंकि वीडियो बहुत लंबी जाती है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, और अगर फिर भी आपको समझ नहीं आता है कुछ भी तो आप लोग मुझे कॉल कीजिए, आपको कॉल पे सारा कुछ मैं डिटेल्स बताऊंगा, आपको व्हाट्सएप वगैरह पे डिटेल्स भेज दी जाएगी। तो दोस्तों आपको ये कैसे लगे फ्लैट्स आप लोग ज़रूर बताइएगा, और आप लोग अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों में भी शेयर कर सकते ताकि किसी की हेल्प हो सके। अगर कोई अच्छा घर सस्ता घर ढूंढ रहा है तो उसका हेल्प हो जाया करेगा। तो दोस्तों ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए, और आज का ब्लॉग्स हम यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं किसी नए ब्लॉग में नई प्रॉपर्टी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।